तुम बहुत लकी हो, रहे बहुत लकी। जिए कितने दिन ये सबको पता होता है, लेकिन बचे कितने दिन ये किसी को पता नहीं होता है। तुम्हें पता है भाई, ईश्वर करे आपको भी जल्दी पता चले। इसी बात पे एक मशहूर शायर ने कहा, जिंदगी ओ जिंदगी ठहर जा, नहीं नहीं अच्छा, जिंदगी ओ जिंदगी रुक जा, नहीं बैठ जा। नहीं, जिंदगी बैठ कैसे सकती है डॉक्टर? मेरी जिंदगी लेटने वाली है, टाइम बहुत कम है मेरे पास, बख्शो मुझे प्लीज। सॉरी, शेर भूल गया, मेरी बेटी ने मुझे सुनाया था, शेर शायरी का बहुत शौक है उसे। उर्वशी 22 साल की है, कॉलेज के सब लड़के उस पर फिदा है, बहुत खूबसूरत है, मुझ पे गई। तुम्हें पता है मुझे वो सबसे ज्यादा खूबसूरत कब लगी? जब उसका जन्म हुआ था। मैं वहां था डिलीवरी रूम में, जब नर्स ने मुझे खून से लथपथ बच्ची को मेरे हाथ में दिया था, लेकिन उस वक्त वो सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो दिन मैं आज तक नहीं भूल पाया। तुम्हारी जिंदगी में ऐसे कितने दिन आएंगे रोय? ना मेरी शादी हुई है, ना बच्चे हैं, और ना होंगे। तुम समझ नहीं रहे रोय? रोय, 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 तुम अभी भी मेरी बात नहीं समझ रहे रोय। देखो रोय, जिंदगी में ऐसे छोटी छोटी बातें होती है जो दिनों को एक जिंदगी बना देती है, और हम इन्हें कभी नहीं भूल पाते रोय। रोय, जब मैं छोटा था, मैंने पहली बार साइकिल चलाया था मैंने, तो मेरे बाबा मेरी सीट पकड़कर ऐसे ऐसे पीछे पीछे भाग रहे थे। सुनो ना रॉय, ऐसे पकड़ के भाग रहे थे, ओके? और मैं पीछे मुड़ के देख रहा था, बाबा बाबा धो ना, बाबा धो ना, बोले आगे देख तू, आगे देख तू, आगे देख। कुछ देर के बाद मुड़ के देखा तो बाबा दूर खड़े रह के मुस्कुरा रहे थे। मैंने साइकिल चलाना सीख लिया रॉय, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता रॉय, कभी भी नहीं। यू अंडरस्टैंड मी? लेकिन कमाल की बात यह है रॉय, वो दिन लौट के फिर आया मेरी जिंदगी में। इस बार मैं साइकिल से चला रहा था और मेरी बेटी उर्वशी साइकिल चला रही थी, मैं पीछे भाग रहा था। ए, पीछे मत देख, पीछे मत देख, आगे देख, आगे देख, तू हो ना, तू हो ना, तू हो ना, और मैंने सीट छोड़ दी रॉय। और जब वो मुड़ के देखी, वो ऐसे ही मुस्कुरा रही रॉय, जस्ट लाइक दैट रॉय, यस रॉय। जिंदगी में एक बात बताओ, तुम्हें ऐसे कितने दिन याद है रॉय? फर्स्ट जॉब, पहला सूट, पहली सैलरी, जब तुमने लड़की को पहली बार छुआ, पहली बार छुआ, जब पहली बार तुम्हारा दिल धड़का रहा है, कितने दिन याद है? बोलो, 15, 20, 25 दिन, 30, 30, राइट? 30 स्पेशल डेज रॉय, 30 स्पेशल डेज, 30 साल की जिंदगी रॉय, तुम्हें सिर्फ 30 दिन याद है, बाकी के दिनों को क्या हो गया रॉय? साहब, ये चुट्टी को पकड़ के क्या तीर मारे आप? अरे चुट्टी को पकड़ के लाओ, कुछ बात बनती साहब। अरे ओ कल्लन, ज्यादा साहब को चढ़ाओ नको, अभी यहाँ से चप्पल खींच के मारूंगी। देख रहे साहब, देख रहे कितनी बदजुबान औरत है साहब, मैं सही बोल रहा हूँ साहब, परसों मेरी बोली में दो चूहे मरे हुए मिले साहब, और मैं समझता हूँ ये कभी नहीं जाती। क्या साहब? हाँ बोलो साहब। हाँ, सलमा अली के जमानत के लिए क्या करना पड़ेगा मेरी बू? साहब यही है साहब, छोटा सारा यही है साहब, यही है साहब, यही वो यही है, इन्हें बुर्के यही है, हम लोगों को भगा भगा के मारता है साहब। हो तो फिर अरेस्ट करो ना। अरे हाँ, अरे क्या करते, अरे क्या करते तुम लोग? तुम लोग कानून के आंख में मिट्टी झोंकते, धूल झोंकते हैं। क्या धूल? धूल झोंकते सर। अरे बंद करो इसको, इसकी बीवी के साथ। नहीं है वो मेरी बीवी नहीं है, वो मेरे भाई रहीम अली की बीवी है। अरे अब मैं तो ड्राइवर हूँ बम्बई में। ड्राइवर है, लाइसेंस दिखाओ। अरे छोड़ो, क्या कर रहे हैं, छोड़ो। वो बैग में ही चली गया। उल्लू बना रहा है? मैं एक उल्लू क्यों बनाऊं आपको? तो फिर क्या बना रहे हैं साहब को? सर आप मेरे बॉस को फोन करो ना, रोहन कपूर बॉम्बे में। मोबाइल नंबर दो। नंबर लिखो, पहला 0। आगे बोलो। 9828 9828 25 55 55 55 55 55
हेलो, गुड आफ्टरनून, इंस्पेक्टर श्रीकांत रेड्डी हियर फ्रॉम पुलिस स्टेशन चिकटपल्ली। हम एक छोटे को अरेस्ट करें, हमें शक है कि वो रहमान अली है। वो बोल रहा है कि वो अरमान अली है। अब वो रहमान अली है या हॉस्पिटल का नंबर देके पुलिस को कंफ्यूज करता है। हॉस्पिटल का नंबर? हाँ, वो एक बार अपेंडिक्स के लिए गया था मैं। डालो साले को लॉकअप में, चलो। अरे नहीं, अरे चलिए साथ डालो, इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं। रहमान अली और सुल्तान अली, बेईमान अली, बंद करो। काम फंसा दिया चिड़ियाघर में। मैंने कहा आदाब जेठ जी, सब कुछ खैरियत? हाँ, इसी को इस खैरियत से रहना बोलते हैं। सलमा, मुर्गों की चोरी, बकरों की चोरी, मस्जिद के बाहर जूतों की चोरी, अब पानी की चोरी भी होता है। एक कमबख्तो, मैं सुना बंबई से, हाँ मैं मिलना चाह रहा हूँ। ये चप्पे, मैं मिलना चाह रहा हूँ। वो सो रहे क्या? सोने की फुर्सत कहाँ, वो तो चाची जान को छुड़ाने थाने गए हैं, अभी तक वापस नहीं लौटा है। जाइए, जाके देखिए क्या हो रहा है वहाँ पे। बंद रही मेरी बला से। अरे इतनी खतरनाक औरत अल्लाह किसी को भी ना दे, वो दिन भर काय 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 करती रहती है, उसकी वजह से मैं दिल का मरीज हो गया हूँ। तू तो जानती तेरी चाची को, वो पुरानी चिल्लन है वो। हाँ, मेरे को क्या बोलती है रात को पता है? बोलती है जा पानी चुरा के लेके आ, अभी गांव में पानी खत्म, तो बोलती है जा कल्लन खान की बावड़ी में से पानी चुरा के लेके आ। तो मैं बोला नहीं, तो वो बोलती है ना आता ना जाता, तबला बजाता, घर में बैठ के हलवा खाता। और क्या बोली मालूम? क्या बोली? ना मर्द, मेरे को बर्दाश्त ही नहीं हुआ, उसके लिए मेरे को उसके साथ जाना ही पड़ा। तो जाके सच्चाई बोलिए इंस्पेक्टर साहब को और माफी मांग लीजिए कल्लन खाल से। या मेरे को पागल कुत्ते ने कहा था कि आके हम उधर जाओ। तो मैं इस चक्की देखती क्या हो रहा है वहां पे। मैं बाहर से ताला लगा के जा रही हूं। काहे को ताला? काहे को? ताकि अगर पुलिस वाले आए तो वापस चले जाए। मेरे को बहुत भूख लगी है, आमलेट बनाता आमलेट। भाईजान, भाईजान क्या? वो मैं क्या कह रही थी कि दिन में तो ठीक है, पर रात को यहाँ अंधेरे में मेरे जेठ के साथ अकेले, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? रात को तो जानवर के भी अरमान जाग जाते हैं, फिर अरमान भाईजान तो अकेले हैं, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएंगी। मेरा एक काम कर दो ना, वो चूहे मारने की दवा ला दो, मैं खा करके चुपचाप सो जाऊँगी, सुबह को जमींदार से बाहर भिगवा देना। चुप बैठ, अब अगर तू ज़्यादा बोली ना तो दर्दों वाला मलम तेरी आंखों में डाल देता मैं। इनकी मुराद पूरी कर दो हवालदार साहब। साहब, मुस्कान, मुस्कान, हमको बाहर निकालो। मुस्कान, तू इधर काहे को आई? हम मेरे अब्बा को ऐसे कैसे बंद कर सकते? कौन से कानून में लिखा है कि एक बेकसूर को बंद कर दिया जाए और मुजरिम खुलेआम घूमे? तू मेरे को कानून समझाती? कानून नहीं समझाती मैं, सच्चाई बता रही हूँ। आपको इनकी नहीं रमान चाचा की तलाश है, उन्हों घर पे बैठे। घर पे बैठे? हाँ, इनको छोड़िए और चल के उनको गिरफ्तार कीजिए। तू झूठ नहीं बोल रही ना? कुरान उठा सकती मैं। रुस्तम। हाँ सर। रामिया, छोड़ दो उसको। और मेरे को? इस सलमा बानू रुमाली को नहीं, जाओ इन दोनों के साथ जाओ और उसको पकड़ के लाओ, और उन्हें नहीं मिला तो इन दोनों को हाथ खड़ी पहना के लाओ। हमें तो लूट लिया दिल के हुस्न वालों ने, काले काले गालों ने। जा जा जा।
भाई साहब आ गए, मेरे भाई साहब आ गए। भाई साहब गले नहीं मिलेंगे भाई साहब? अरे क्या मेरे भाई साहब, मेरे भाई साहब। इंद्रा बाबू, अरे कटवा भागो, अरे क्या कटवा भागो, आ गए भाई साहब, मैं चली गई भाई। कपड़ा डालते तू चल चल मेरे क्या दिखाई तू करने को? कमबख्तों की वजह से पूरा दिन खराब हो गया, वरना गरीबी की सर्टिफिकेट एमपीडीओ के ऑफिस में जमा होती और बौड़ी के पैसे मिल जाते। कोई बात नहीं अब्बा, कल चले जाइएगा। ना नहीं। तुम डॉक्टर हो? आई एम अ डॉक्टर, आई एम डॉक्टर भालेराव। मुझे स्पीच देनी है कॉन्फ्रेंस में ऑन हाइपोकॉन्ड्रिया। मैंने सोचा बहुत ड्राई सब्जेक्ट है तो पहले मैं जोक क्रैक करता हूँ। कैन आई ट्राई द जोक ऑन यू इफ यू डोंट माइंड? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हरी अप, हरी अप, कम ऑन। द जोक इज लाइक दिस कि पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर पेशेंट को कहता है कि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। तो पेशेंट बोलता है क्या बात कर रहे हो डॉक्टर, कितना टाइम है मेरे पास? तो डॉक्टर बोलता है फाइव क्या, 5 साल? डॉक्टर बोलता है 5 महीने? नो, 5 वीक्स? तो बोला नहीं। तो फिर डॉक्टर कितना टाइम है मेरे पास? 5 4 3 2 1 टाइम, यू आर डेड। नहीं हुआ, अच्छा नहीं लगा। गॉड, अब क्या करूं? काम डाउन। ओके, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम डॉक्टर भालेराव एंड आई एम गोइंग टू टॉक टू यू ऑन हाइपोकॉन्ड्रिया। वन मिनट। ओके ओके बाय। सब इंजीनियर विकास झा साहब, मैं अरमान अली, मैं आ सकता हूं? हाँ अरमान अली, आपकी फाइल आई है हमारे पास, आज खेत की जांच के लिए आ जाएंगे। आज सर? कितने बजे? नारानी। हेलो दिलबर जानी। बोलो क्या कर रहे थे? एक ही तो काम है आजकल तुम्हारी याद। सुनो ना, सुबह से बात कर माया। तुम कभी शांत नहीं हो सकते क्या? एक मिनट, आप अभी तक गए नहीं? आपने बताया नहीं कितने बजे आएंगे आप? अब कितने बजे आएंगे ये तो नहीं बता सकते, कह दिया जब आ जाएंगे तो आ जाएंगे। हैं? अब बारात तो लेके नहीं आएंगे, अब जाइए। क्या हुआ, किसे डांट रहे हो? समझती हो ना कैसे चट्टान टाइप के लोग आते रहते हैं। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए खुशखबरी। बोलो। अब बड़े हो सकते हैं। क्या? देखो अभी 28, 28, 38 है ना? ऑपरेशन के बाद 38, 28, 38 हो सकते हैं। मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। अरे तुम भी याद करती हो यार, थोड़ी बार बार आ जाओगी तो उसका एक अलग ही मजा आएगा, एक अलग आनंद लिया जाएगा, समझा करो ना यार। है जी, कैसी बातें करते हो? बॉडी कहाँ पे तुमको खोदना है मियाँ? गुनिया बोला कि पानी यही निकलेगा। यहाँ पे 200 मीटर तक कोई और बावड़ी तो नहीं है उसका? 200 क्या साहब, 210 मीटर तक भी कोई बावड़ी नहीं है। अच्छा फाइल। 40 मीटर गहरा, 3 डायमीटर का बावड़ी खोद दिया। जी साहब। ए, टेप निकल। रोज का काम है, इतना टाइम लगाता है? अरे अभी अभी करो ना, मार दियो, हिला डाल, खोद। गुस्सा बहुत है।
हेलो बीबी जी, जरा इधर आएंगे मेरी मदद के लिए? डाल दी। कहाँ हूँ? बस ये चिरकुटाई वाला काम है, इसको खत्म करके तुरंत घर आ रहे। मारे साहब रात पर सोए नहीं क्या? नहीं, चोरू आई है। अरे सुनो खुशखबरी, सैटरडे को सरकारी जीप का इंतजाम हो गया है, हैदराबाद घुमाने ले चलेंगे तुम्हें। हैदराबाद? हाँ, चाप के हनीमून करूंगा। अरे सुनो, डॉक्टरों से एडवाइजर ले लेंगे। डॉक्टर से एडवाइस? किस बात की? अरे वो है, यहाँ क्या कर रहा है? नहीं नहीं, तुमसे नहीं, लाजमेंट की। हर वक्त एक ही बात करते रहते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे अच्छा लगने लगेगा, हौले हौले से हो तो जाने दो। हाँ, के पास है ना होटल बुक के, स्विमिंग पूल वाला। समझ गई ना साहब। अच्छा, हम रख रहे हैं, काम हो गया। अच्छा रानी, बस ये पटाखे आ रहे हैं, चारों तरफ चुम्मा। बड़ी बावड़ी। मुबारक अरमान मियां, बावड़ी तो खुद गई 500 रुपया। किस बात की? लैंड इंस्पेक्शन वेरिफिकेशन फीस कोड नंबर 3। मगर वो तो पहले ही। ए बाले राव, समझाओ इनको। देखिए बीबी जी, फीस तो सबको देना पड़ता, उसके बाद ही इंजीनियर साहब रिपोर्ट लिखते, तब जाके पैसे आते। ठीक है, हमको इसका रसीद चाहिए होगा। चोर हम तुमको दिखाई दे रहे हैं, हम तुमसे झूठ बोल रहे हैं। हैं क्या? एक तो जनार्दन बाबू के बोलने पर तुम्हारी सड़ी सी बावड़ी को हम इंस्पेक्ट करने के लिए आए, इतना समय अपना जाया किया। ए अबे ना, अपना तुम इंस्पेक्शन रिपोर्ट ले लेना, चल रे चल। अरे काय कुछ चलाते साहब, रसीद तो मांगी, क्या पूरा किया साहब? क्या है? सुनो, पहला इंस्टॉलमेंट मिलने पर 5 लोटा पानी मैं पीऊंगा। कितना? 5%। तभी दूसरे इंस्टॉलमेंट के लिए वेरिफिकेशन करने आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। सुनो, समझदार इंसान लिखते, अपनी छोकरिया को समझाओ कि कैसे सरकारी लोगों से बात किया जाता है। बीबी जी, आपने पूरा काम खराब कर दिया। अरे जा निकल यहाँ से। ओ, बड़े साहब का तो हो गया, शुक्रिया शुक्रिया। अरे बड़े साहब, साहब, अरे काम है, यही छोड़ देते हैं।